चलिए देखिए यहाँ सबसे पहले लिखा गया है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब समझते कुछ इस तरीके से, जैसे होता है ना एच प्लस सी एल माइनस, एच प्लस बॉन्ड की तरह। तो इस पर है माइनस एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इस पर है एक इलेक्ट्रॉन कम। अगर कहीं पर लिखा हुआ प्लस चार्ज, इसका मतलब है कोई न्यूट्रल से एक इलेक्ट्रॉन निकाला है। और ये कोई क्या होगा, एटम है, परमाणु, परमाणु तो उदासीन होते हैं, एटम उदासीन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया तो प्लस एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो माइनस। इसी को हम लोग डाइपोल कहते हैं। दो पोल है, माइनस पोल और एक प्लस, इस पर चार्ज कितना है माइनस एक, इस पर चार्ज कितना है प्लस एक, का मान है 0.6 × 10⁻¹¹। तो इलेक्ट्रिक डायपोल डिफाइन किया गया है कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का एक सिस्टम है। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का, चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन नेचर क्या है अपोजिट। तो अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्ज का एक सिस्टम है, इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अरे बीच में ज्वाइंट वाइंट वाला बात नहीं कि ज्वाइंट है, ऐसा कोई ज्वाइंट वाली बात नहीं। हम बस दिखाते हैं कि इनके बीच कुछ दूरी होगी, ये दूरी को कभी कभी हम लोग डी से दिखा देते हैं, कभी कुछ दूरी को हम लोग किसे दिखाते हैं ट्वेल्व, क्या दिखाएंगे ट्वेल्व, क्योंकि डायपोल की आधी लंबाई का बहुत काम आने वाला है, तो डायपोल का आधा लंबाई का काम आएगा, ऐसे ट्वेल्व मान लेंगे तो आधा लंबाई कितना रहेगा एल, शुरू से करने में आसानी होगा। अगर डी मान लेंगे तो आधा लंबाई होगा डी बाई, थोड़ा गुनावा करने में दिक्कत होगा। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। वही लिखा हुआ होगा कि जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज कुछ डिस्टेंस पर रख दिए जाते हैं तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण करते हैं। वहीं लिखा हुआ व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट देन इट कंस्ट्रक्ट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कि जब दो समान और विपरीत आवेश कुछ दूरी पर रख दिए जाते हैं तो वे एक विद्युतीय द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। मैंने दो इक्वल और अपोजिट चार्ज कुछ दूरी पर रखा हुआ है, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। आगे है वही सब दिखाया गया है कि ऐसा एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज है, बीच की दूरी डी है, इस सिस्टम को हमने क्या नाम दिया है इलेक्ट्रिक डाइपोल। आगे डिफाइन किया गया है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये डिफाइन है, कोई प्रूफ वाली बात नहीं। तो हर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का अपना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, हर एक इलेक्ट्रिक डायपोल का अपना एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हम लोग किससे लिखते हैं स्मॉल पी, स्मॉल पी। और डिफाइन है कि दोनों में से कोई एक चार्ज अपने बीच की, मन करे तो क्यू इंटू डी बोलिए, मन करे तो क्यू इंटू टू है, डिफाइन है तो ध्रुव वाली बात नहीं है। हमने डायपोल को समझने के लिए एक टर्म डिफाइन किया है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डिफाइन किया गया किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसके बीच की दूरी का मल्टीप्लिकेशन, ये कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। फॉर्मूला के हिसाब से पी बराबर क्यू इंटू डी या क्यू इंटू टू ए। और डिफाइन क्या किया गया है कि वेक्टर है, कि क्या है वेक्टर है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को क्या माना गया है वेक्टर। इसका डायरेक्शन क्या है निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और उसका मैग्नीट्यूड आएगा पी बराबर क्यू इंटू डी या क्यू इंटू टू ए। तो ये सब कहानी है, सब लिखा हुआ है डायपोल मोमेंट पी बराबर क्यू इंटू डी इज वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इसका यूनिट हो गया कूलॉम इंटू मीटर, कूलॉम इंटू मीटर। एक क्वेश्चन है इसी पेज में, ध्यान सुनिए इसी सवाल में, इसी पेज में क्वेश्चन क्वेश्चन है कि यहाँ पर एच टू लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है एच टू नहीं लिखा है, क्या लिखा है एच टू लिखा मिला कि नहीं, एच प्लस और करता है माइनस, मिला कि नहीं मिला एच टू ओ, और बीच का दूरी कितना है बॉन्ड लेंथ डी। तो बताइए इसका डायपोल मोमेंट का मान क्या है। तो माइनस एक और माइनस एक, हाँ दो माइनस है ना, तो एक माइनस और एक प्लस मिलके एक डायपोल यहाँ बनाएगा, और एक माइनस एक प्लस मिलके एक डायपोल यहाँ बनाएगा।
तो इस डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा माइनस से प्लस, और इसका मान होगा क्यू इंटू डी। मतलब हमें मान लें कि यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ पर चार्ज यहाँ पर माइनस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू। एक होगा क्यू डी इधर, एक होगा क्यू डी। अब यहाँ पर कोण कितना होता है? 104 डिग्री। कुछ लिखा हुआ नहीं बाबू, केमिस्ट्री से बात पढ़ना होगा ना। 140 तो बात क्या बात है, कोई भी जो भी मान हो, लेकिन हमें बस समझाया गया सिर्फ मैथमेटिक्स की भाषा में कौन कितना माना गया है कौन थीटा। बाकी बैटरी के नियम से तोड़ दीजिए, ये वाला क्यू डी का क्यू डी कॉस थीटा और क्यू डी साइन थीटा, और फिर क्यू डी का इधर क्यू डी कॉस थीटा, इधर क्यू डी क्यू डी साइन थीटा, क्यू डी साइन थीटा, इधर क्यू डी साइन थीटा, इधर क्यू डी साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल इधर आएगा आंसर क्यू डी कॉस थीटा। बाकी थीटा का मान जो भी रहेगा, बॉन्ड लेंथ अगर रहेगा तो बॉन्ड लेंथ दिया हुआ रहेगा, सब पता रहेगा, अपना मान खुद करेंगे आंसर आएगा। अगला सवाल है फाइन नेट डायपोल मोमेंट, जिसमें दिखाया गया है कि यहाँ पर चार्ज है माइनस टू क्यू, यहाँ पर चार्ज कितना है माइनस टू क्यू, और यहाँ पर चार्ज कितना है प्लस क्यू, और यहाँ भी चार्ज कितना है प्लस क्यू, और बीच की दूरी कितना बताया गया है डी। तो बताओ इस पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मान क्या होगा? तो एक माइनस क्यू को इसमें लेंगे और एक माइनस क्यू को इसमें लेंगे, तो एक डायपोल मोमेंट इधर आएगा क्यू डी, और एक डायपोल मोमेंट का मान इधर आएगा क्यू डी, और दोनों कई डिग्री पर है, आंसर बराबर आएगा रूट टू क्यू डी। आंसर बराबर टू क्यू डी, ये सब आंसर है। अगला निकालिए, अगला सवाल में एक ट्रायंगल है, इस पर चार्ज कितना है प्लस टू क्यू, और यहाँ है और यहाँ भी है सही भुजा की लंबाई, बताइए कि इस पूरे सिस्टम का डायपोल मोमेंट का मान क्या है? तो एक क्यू यहाँ माइनस और एक क्यू प्लस, ये दोनों मिलके किधर होगा ना क्यू डे क्यू ए क्यू, और एक माइनस क्यू और एक माइनस प्लस भी आने के भी क्यू ए, और दोनों कौन का डिग्री लिख लो अपना, क्यू ए का स्क्वायर प्लस क्यू ए का स्क्वायर प्लस टू इंटू क्यू ए इंटू क्यू ए इंटू कॉस 60 डिग्री का कितना आएगा, रूट थ्री क्यू, रूट थ्री क्यू वेक्टर का जोड़े समझो समझो, एक वेक्टर क्यू ए दूसरा वेक्टर भी क्यू ए 20 डिग्री, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा का। अगला सवाल, अगले सवाल में क्या है स्क्वायर, अगला सवाल में एक स्क्वायर दिखाया गया है जिसके तीन कॉर्नर पर कितना चार्ज है प्लस क्यू और यहाँ भी, और यहाँ पर चार माइनस क्यू क्यू, और सभी साइड का लंबाई ए, निकालना है इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, एक माइनस क्यू इसके लिए लेंगे, इस प्लस क्यू के लिए तो आंसर आएगा क्यू ए, एक माइनस यहाँ से उठाएंगे इसके लिए तो इसका भी आंसर आएगा क्यू ए, और एक माइनस इसके लिए उठाएंगे तो इसका आंसर आएगा क्यू इंटू रूट टू ए, क्यू इंटू रूट टू ए, हाँ बीच की दूरी रूट टू ए, तो फिर क्यू इंटू रूट टू ए को तोड़ा जाएगा, या तो हमको लगता है कि आसान करना है लेकिन इसी को तोड़ लो। अब देखो इसको तोड़ेगा तो एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, तो फिर तो आई और जे बचले रहेगा, तो निकालना पड़ेगा रिजल्टेंट, इसी को कहानी तोड़ लेते हैं, क्यू ए कॉस 45 क्यू ए कॉस 45 इधर क्यू ए साइन 45, इधर से भी तोड़ेंगे क्यू ए को तो एक क्यू ए कॉस 45 इधर आएगा तो क्यू ए साइन 45, आइए क्यू ए साइन 45 साइन 45 चला, आई तीनों क्या हो जाएगा सौ जुड़ जाएगा, कॉस 45 की 1/√2 आई कटेगा तो फिर √2 √2 क्यू ए √2 क्यू ए
टू रूट टू रूट अगला सवाल लिखिएगा, फाइंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ गिवन सिस्टम, ये लिखा लेना क्या कहा गया इसमें। यहाँ पर कितना चार्ज है, माइनस क्यू, माइनस क्यू, आई कितना है आर, और ये भी आर, यहाँ पर पूरा चार्ज है प्लस टोटल कितना इस पर प्लस प्लस तब बताना कि सिस्टम का डायपोल मोमेंट का मान क्या है। किसमें तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा चार्ज ना मानना पड़ेगा और जो चार्ज का टुकड़ा है उसको भी इतना ही फाटने का करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अगर मान लो इसमें डिक्यू 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 कितना है 50, इसको भी 50 डिक्यू में तोड़े और हर एक डिक्यू के साथ क्या बनाएगा एक डायपोल। तो पहले मान लिया गया कितना एंगल पर, एक थीटा एंगल पर एक एलिमेंट हमने काटा कितना वाला डी थीटा, यहाँ लंबाई कितना आर डी थीटा, तो चार्ज बोलिए लैम्डा थीटा, लैम्डा बराबर बोलिए क्यू बटे टू आई आर बटे चार, सही कि नहीं, लैम्डा बराबर क्यू आई एल, आई एल का मान कितना आएगा टू पाई आर का चौथा हिस्सा गुने आर डी थीटा, दो दूनी दो कहाँ चला जाएगा आर से आर, टू क्यू बटा पाई डी थीटा आया, टू क्यू बटा पाई डी थीटा, देख ले तो एक टू क्यू बटा पाई डी थीटा यहाँ होगा तो यहाँ से भी कितना लेंगे टू क्यू बटा पाई डी थीटा, ठीक है, यहाँ से भी कितना टुकड़ा लिया जाएगा पाई डी थीटा, क्योंकि डायपोल होने के लिए इक्वल और अपोजिट चार्ज इक्वल और यहाँ चार्ज है प्लस में टू क्यू बटा पाई डी थीटा, यहाँ से जो चार्ज है टू क्यू बटा पाई डी थीटा, तो डायपोल मोमेंट का आंसर इधर ना होगा डी पी, डी पी तो डी पी का मान होंगे टू क्यू बटा पाई डी थीटा गुणे आर, सही है, टू क्यू बटा पाई डी थीटा चार्ज अगर यहाँ कंसीडर किया गया है कि यहाँ से भी कितना टुकड़ा लिया जाए टुकी बटा पाई डी थीटा, अभी आपको सवाल में पता चला होगा यहाँ पर लिखते माइनस तीन क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, तो इस प्लस क्यू को अगर हम डायपोल बनाना चाहते तो कितना लिए थे सिर्फ माइनस तीन क्यू, लेकिन तीन टुकड़ा में तोड़ दिए थे कि माइनस क्यू इसके लिए माइनस क्यू इसके लिए और माइनस क्यू इसके लिए, बस वह कि नहीं, उसी तरह से माइनस क्यू चार्ज को ढेर सारे टुकड़ों में क्या कर दिया जाएगा तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ भी कुल चार्ज तो क्यू है, यहाँ भी कुल चार्ज क्यू है, तो जैसे जैसे यहाँ तोड़ा जाएगा टुकड़ा वैसे यहाँ भी टुकड़ा को समझेंगे तोड़ा होगा और सब अपने अपने साथ में जाएंगे, तो ये डीपी का मान कितना होगा टू क्यू बटा पाई डी थीटा आर, लेकिन इसका इंडक्शन तो कर पाना संभव नहीं है, तोड़ना पड़ेगा इसको, सब डायपोल मोमेंट का इंडक्शन नहीं ले जाएगा, सबका इंडक्शन अलग अलग नहीं जाएगा, इसका मतलब इस डीपी का दो हिस्सा होगा, एक डीपी कॉस थीटा और एक डीपी साइन थीटा, साइन थीटा, सही कि नहीं, तो पहला बात हम कर रहे हैं डीपी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के पाई बाई टू तक, पाई बाई टू कितना आएगा टू क्यू आर बटा पाई बाहर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, साइन थीटा ना साइन नब्बे वन साइन जीरो माने टू क्यू आर बाई पाई, टू क्यू आर बाई पाई आवरा इंटीग्रेशन
डीपी साइन थीटा का, तो साइन थीटा का तो क्यू बटा पाई डी थीटा आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन जीरो से पाई आई, तो टू क्यू आर बटा पाई माइनस कॉस थीटा का मान जीरो से पाई आई टू तक उतने आएगा फिर से ना जीरो है, कॉस 90 का मान तो आ गया माइनस जीरो ने, और फिर माइनस और कॉस जीरो का मान तो माइनस तो प्लस हो इसका मतलब फिर से क्यू आर बटा आंसर बराबर टू टू क्यू आर बाई पाई, आंसर बराबर टू टू क्यू आर बाई पाई कितना आएगा आई का कितना आएगा उसका रिजल्टेंट निकाले इसका स्क्वायर जो इसका स्क्वायर का आया कि नहीं पूरा आंसर लावा लेकिन हाँ टू क्यू आर बटा पाई आई का आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब आगे यहाँ से निकालना है इंटेंसिटी है पोटेंशियल, पहले क्यों निकालना है इसलिए देखो जब सवाल जो करा रहे हैं सवाल इसलिए कराया जा रहा है ताकि मैग्नेट में काम आएगा, डायपोल सिर्फ पढ़ने के लिए सब सवाल करना कोई जरूरी नहीं है, हम आगे जो पढ़ाएंगे उसमें सवाल मानो पुट कर दिया आंसर आ जाएगा, लेकिन ये जो तरीका से हम लोग निकालने जा रहे हैं ई वाला फॉर्मूला याद रखिएगा मैग्नेट में, तो ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर बहुत सारा डिवाइस होता है मैग्नेट में उस सब बात आपको समझने में आसानी होती है, अरे वो बहुत पढ़ाया जाएगा जब मैग्नेटिक डायपोल पढ़ाया जाएगा तो पढ़ा होवे नहीं करेगा, खाली फॉर्मूला ये लिखेंगे उतार देंगे छाप देंगे कि कहाँ कहाँ चेंज करना चेंज कर लेना, एकदम वो बहुत यही पढ़ा भाई जो डायपोल पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल समझो मैग्नेट का पढ़ा होगा कि प्योर पढ़ा किसका हो रहा है मैग्नेट का, वो बहुत एकदम ऐसे हैं जिसे छपा रहा है उसे छप्पर मिलेगा। फिर सवाल है कि ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान बताना है ना, इंडोन पोजीशन बोलते हैं क्या बोलते हैं इंडोन पोजीशन, ध्यान सुनिएगा यहाँ पर एक चार्ज है माइनस क्यू और यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू, ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल जिसके बीच की दूरी लिखा गया है 12 कितना 12 है ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू जिसके बीच की दूरी 12 कहने का मतलब इधर दूरी एल इधर दूरी एल और इस पोजीशन को बोला गया इनडाउन पोजीशन, कौन पोजीशन इधर बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं इधर इच्छा करें उधर बोलिए मतलब अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस के अलोंग सेंटर से कितनी दूरी पर आर सेंटर से आर दूरी पर, उधर मन करे तो उधर मन करे इधर तो इधर जिधर इच्छा करे उधर हम निकाल सकते हैं, ना से समझिएगा ऐसा तो यहाँ पर कोई पार्टिकल नहीं तो बस इसलिए खाए हैं पार्टिकल के लिए बीच बीच वाला पॉइंट है यहाँ से एल ये हो गया डायपोल और इसके सेंटर से कितना दूरी पर आर दूरी पर अलोंग द एक्सिस दाएं या बाएं हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जबकि बात पता है कि इस डायपोल का डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा होगा नेगेटिव टू और इसका मान होगा क्यू इंटू एक इलेक्ट्रिक डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा क्यू इंटू किधर मतलब आई कैप क्यू, आई इस सवाल के हिसाब से आई कैप क्यू है, अब हम निकालने जा रहे हैं डायरेक्ट इंटेंसिटी यहाँ पर प्लस अभी प्लस वन कूलम को प्लस क्यू क्या करेगा रिपेल, इसका मतलब इधर बल लगेगा के क्यू बटा आर माइनस एल का स्क्वायर, सही कि नहीं, यहाँ से दूरी कितना हो गई आर माइनस एल, जबकि ई वाला माइनस क्यू ई वाला प्लस वन कूलम को अपने तरफ खींचेगा और इसका आंसर होगा के क्यू बटा आर प्लस एल का, सही कि नहीं। अब इस बात से अंदाजा लग गया कि वाला मान ज्यादा आई वाला मान कम, जबकि वाला दूरी ज्यादा आई वाला दूरी कम, मतलब इंटेंसिटी का जो मेन आंसर आएगा ना इधर है,
सही कह रहे हैं। याद रहे कि जब किसी डायपोल के इंडोन पोजीशन पर हम टीटी का मान निकालते हैं तो उसका आंसर डायपोल मोमेंट की तरफ आता है। यहाँ पे तो गड़बड़ा बात क्या है, हम तो याद करवा दिए कि किसी भी डायपोल के एक्सिस पर मतलब इंडोन पोजीशन पर किस पोजीशन पर सोल्व हो रहा है, अंतिम वाला इंडोन पोजीशन। किसी भी डायपोल के इंडोन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के तरफ होगा। अब बच्चा ऐसे समझ बैठता है कि चूंकि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी नेगेटिव से गलत बात समझ गए। जिधर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है उधर इसका डायरेक्शन है, ये कहना गलत होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव से तो गड़बड़ है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, समझ गए। तो आपको अब यहाँ तो देखने में लग रहा है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए प्रभाव, यहाँ पर प्लस का प्रभाव ज्यादा है ना, माइनस का प्रभाव कम पड़ेगा क्योंकि दूर में है, तो पक्का कि प्लस वन कूलम चार्ज चले जाएगा। तो ये नहीं याद कर जाना है कि इलेक्ट्रिक फील्डिटी का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, आदि करना है कि इलेक्ट्रिक फील्डिटी का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के नेगेटिव टू पॉजिटिव ये नहीं। अब मान निकालते कितना है तो इसमें ही क्या करेंगे घटाएंगे क्योंकि ज्यादा है नहीं, अरे वाला तो घर में आंसर आएगा। इसमें बोला जब घटाएंगे तो के क्यू कॉमन लेंगे, के क्यू एक बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर एक बटे आर प्लस एल का नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस टू बार सही ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बगल में के क्यू कॉमन, यहाँ बचेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर घटाओ ए माइनस बी का बराबर बोल ए प्लस बी का होल स्क्वायर घटाओ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है फोर आर ए फोर आर एल को लिख सकते हैं टू आर टू एल टू आर टू एल और क्यू इंटू टू एल बराबर टी क्यू इंटू टू एल बराबर बड़ा क्यू लिख दिया हम कितना हो गया ये आंसर कितना आएगा टू के पी आर टू के पी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर ना। ये भी याद करना है अगर आपको मैग्नेट में कुछ बात अच्छा से सीखना है ना तो बात आपको याद करें सही कि नहीं। इसे सवाल सॉल्व होने वाला नहीं है, इसे कोई सवाल नहीं बनने वाला, कोई क्वेश्चन आएगा इस पर कभी नहीं आया क्वेश्चन उश्चन, क्योंकि मेन पढ़ाया क्या जाता है कि डायपोल बहुत क्या होता है छोटा, पढ़ाई यह है कि डायपोल बहुत छोटा होता है, जब डायपोल बहुत छोटा तो एल स्क्वायर का मान और छोटा हो तो आर स्क्वायर का मान तो बड़ा हो गया, आर तो बड़ा है ना, आर ट्वेल्व का लंबाई बहुत कम होता है, ट्वेल्व का मान बहुत, आप समझिए ना भाई एच प्लस सी एल माइनस के बीच में कितना बॉन्ड लेंथ होता होगा, कम से कम एंगस्ट्रम में तो जरूर होता है, बॉन्ड लेंथ की लंबाई किस में होता है एंगस्ट्रम में, 10 के पावर माइनस 10 है पकड़ो स्क्वायर करना है आधा करके सही कि नहीं। आवाज का मान तो मान लिया जाए कि 4 सेंटीमीटर अगर 5 सेंटीमीटर लिखल है 10 के पावर माइनस 8 और सेंटीमीटर कम से कम 10 के पावर 8 गुना कम है, तो इसलिए हम लोग एल स्क्वायर को मोटा मोटी खत्म समझते हैं, आज समझते हैं नीचे लिखा आर के पावर 4 और आर से कटेगा तो आर के पावर 3 याद करना क्योंकि आपको बस इतना ही याद करना है इंटेंसिटी का कितना याद करने का फॉर्मूला ही है, सवाल इस पर आएगा। लेकिन ये जब हम लोग मैग्नेट में जाकर के कुछ एक्सपेरिमेंटल वाला डाटा पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो उसमें बैठाने में थोड़ा सुविधा होगा। यहाँ भी निकाल के देख लिया जाए प्लस वन कूलम रख कर ठीक है, प्लस वन कूलम रखेंगे तो प्लस वन कूलम क्या करेगा ये माइनस के अपने तरह कितना से प्लस क्यू इधर कितना से के की बटा आर प्लस एल का तबरी वाला ज्यादा होगा कि नहीं हरी वाला सेम टू सेम ठीक है, अभी यही वाला ज्यादा है इस तरफ हरी वाला कम है उस तरफ तो फिर टेंसर यही का मतलब ये गारंटी है कि उधर निकालो या इधर निकालो
आंसर हमेशा आएगा इधर सही कह रहे इधर डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में नहीं याद करना कि नेगेटिव टू ठीक है ना आप कहेंगे बीच में निकालो बीच में नहीं निकाल सकते डायपोल बहुत छोटा होता है ये कोई क्वेश्चन नहीं जो बोल रहे हैं माइनस क्यू चार्ज यहाँ है प्लस क्यू चार्ज यहाँ बीच में चार सेंटीमीटर या चार मीटर का अंतर है बताओ बीच में सिटी का मान क्या होगा ये सवाल बन ही नहीं सकता क्योंकि डायपोल बहुत छोटा है बीच में किसी चार्ज को रख पाना संभव हाँ एकदम नाम मात्र का पॉइंट मात्र का होता है डायपोल पॉइंट मात्र इसके बीच में चार्ज को जाकर डालना बीच में मैंने प्लस वन कूलम चार्ज रखना ही संभव तो बाहर ही पूछे इसका मतलब इस चार्ज के इधर भी सिटी का मान इतना ही होगा इधर भी इतना ही होगा दोनों का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के सेम डायरेक्शन है यहाँ से याद जरूर कीजिएगा ठीक है ना अगला बात है हो गया हम लोग का इनडोन पोजीशन आंसर सब आ गया होगा 2kp/r³ का मान पुट कर दिया गया 1/4π अब कहाँ निकालना हम लोग को पोटेंशियल निकालना क्या निकालना है पोटेंशियल निकालना है इसी पॉइंट पर क्या निकालना है आप पोटेंशियल जान सुनिए आप पोटेंशियल निकालेंगे हम लोग पोटेंशियल तो वेक्टर वेक्टर नहीं ना है पोटेंशियल क्या है नहीं यार कोई डायरेक्शन वाली बात नहीं होगा इसमें यहाँ पर रखेंगे फिर से प्लस 1 कूलम या यहाँ रखो प्लस 1 कूलम और क्या लिखो पोटेंशियल कोई डायरेक्शन वाली बात है नहीं जो तीर का निशान दिखाएं सीधे आंसर निकालते हैं पोटेंशियल मतलब एनर्जी पोटेंशियल मतलब तो क्यू आर वन के बीच एनर्जी लिखो क्यू बचा और उसके बीच क्या एनर्जी सही कहें इधर से भी सॉल्व करेंगे तो कहानी वही यहाँ एनर्जी लिखेंगे एक बार यहाँ एनर्जी दो बार दिखाया ना एक माइनस क्यू और वन एक प्लस क्यू आर वन यहाँ भी एनर्जी कई बार लिखाएगा एक माइनस क्यू और वन और एक प्लस क्यू आर तो इधर भी लिखेंगे एनर्जी तो क्या लिखाएगा माइनस क्यू बचा आर माइनस एल आर और एक क्यू बचा तो बोलो कितना आएगा इधर का पोटेंशियल माइनस में आएगा इधर का पोटेंशियल प्लस नहीं इसके चलते पोटेंशियल होगा प्लस में उसके चलते तो माइनस का पोटेंशियल कम ना होगा दूर में तो माइनस का पोटेंशियल का मान कम होगा और प्लस का पोटेंशियल का मान ज्यादा होगा क्योंकि आंसर आएगा प्लस और इधर इसके नजदीक है नहीं तो इसके पीछे एनर्जी ज्यादा है और इसके पीछे एनर्जी पोटेंशियल होगा आपका माइनस मान से में लेकिन इधर पोटेंशियल क्या होगा निगेटिव मतलब पोटेंशियल क्या होगा बाकी जो भी है क्योंकि कॉमन ले लीजिए आर स्क्वायर माइनस और कितना हो गया तो आर प्लस एल माइनस आर प्लस आर से आर टू इंटू टूल बराबर पी ना पी बटा आर स्क्वायर माइनस यहाँ भी वही बात आएगा कि एक क्यू बाहर ले लेंगे तो माइनस एक बटे आर माइनस ए और बटे एक बटा आर प्लस ए तो पी क्यू आ गया ही नीचे हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और बोले सही है ना माइनस यहाँ कर लो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस तो जगह आर प्लस पहले माइनस आर प्लस वही कहानी आएगा के पी के बटा आर स्क्वायर माइनस बस इधर प्लस में और इधर माइनस निकाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इनडोन पोजीशन पर दोनों निकाल दिया गया एक बार इंटेंसिटी और एक बार पोटेंशियल इसमें लिखा गया कि अगर एल का मान बहुत तो आर स्क्वायर बहुत बड़ा होगा और एल स्क्वायर बहुत टेंसर होगा मोटा मोटी केपी बटा आपको याद ही करना केपी बटा आर स्क्वायर इंटेंसिटी बराबर 2kp/r³ इंटेंसिटी बराबर 2kp/r³ और पोटेंशियल बराबर kp/r² अब निकालेंगे हम लोग ब्रोड साइड पर कहाँ निकालेंगे ब्रोड साइड का मतलब परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ब्रोड साइड का मतलब परपेंडिकुलर बाई सेक्टर लंब संधि भाजक तो डायपोल के लंबवत निकालेंगे और बीचों बीच निकालेंगे फिर से निकालेंगे इंटेंसिटी और फिर से निकालेंगे पोटेंशियल
से देखिए यहाँ एक डाइपोल है माइनस क्यू आर प्लस का दूरी 2L परपेंडिकुलर बाई यहाँ पर एक पॉइंट है P A पर निकालना हमको इंटेंसिटी है कितना दूरी पर जबकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा नेगेटिव 2 और मान कितना होगा क्यू इंटू 2L मैग्नीट्यूड इसका क्यू इंटू यहाँ पर क्या रखा जाएगा ई वाला प्लस क्यू चार्ज ई वाला प्लस वन कूलॉम को क्या करेगा इधर ना इसका मान बोलिए और ई माइनस क्यू प्लस वन कूलॉम को अपने तरफ तो इसका इंटेंसिटी कितना होगा माइनस थोड़े होते हैं थोड़े लगते नहीं ना माइनस के बदले हो गया इधर क्या दोनों सेम लग रहा है दोनों अगर ये कोण कितना है ये भी कोण कितना होगा क्योंकि सब सिमेट्रिक है अभी ठिट्टा है तो ये भी कोण ठिट्टा होगा ठिट्टा दिख रहे हैं और ये 90 माइनस और ये भी 90 माइनस और फिर से ही गलत है ना तो इसको अगर हम मान लें कि इंटेंसिटी ई क्या मान लें और इसको ही क्या मान लें ई तो एक लिखाएगा ई कॉस थीटा अगर लिखाएगा ई फिर इसका दो कंपोनेंट होगा एक ई कॉस थीटा और एक ई आंसर बराबर ई साइन थीटा पहले बात का ध्यान रहे इस कहानी में इंटेंसिटी का जो रिजल्टेंट आंसर आएगा डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट देख ले इस कहानी में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट आएगा इसमें ब्रॉड साइड पोजीशन क्या बोलते हैं इसको ब्रॉड साइड पोजीशन मैंने परपेंडिकुलर बाई सेक्टर वाला और लॉन्ग डैश इसमें क्या आया था सेम डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में इसमें डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में बाकी मान निकाल लेते हैं टू आई का मान बोलिए और साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण सही ना और क्यू इंटू ट्वेल्व बराबर तो केपी बटा आर स्क्वायर का होल पावर थ्री बाई अयल का मान बहुत केल स्क्वायर कहानी तो केपी बटा केपी बटा यहाँ कितना आंसर आया था टू केपी बटा और पढ़ने कितना आया था केपी बटा यहाँ कितना आया है इंटेंसिटी केपी बटा सवाल रहेगा ये अगर यहाँ इंटेंसिटी 10 है तो यहाँ बताओ बोले 20 टू केपी बटा है ना सवाल ऑब्जेक्टिव अगर यहाँ पर ब्रोड साइड पोजिशन पर एनसीटी का मान 10 है तो बताओ इंडोर में कितना हो टू के पी बटा फॉर्मूला याद रहे तो काम चल जाएगा अब रहा पर क्या निकालने का पोटेंशियल तो पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ पर बहुत आसान है प्लस वन कूलॉम आर क्यू के बीच एनर्जी लिखो तो के क्यू बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसके के बीच एनर्जी लिखो तो माइनस के क्यू बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस बराबर जीरो बराबर चार दो छः एक साथ बात याद होना चाहिए यहाँ पर एनसीटी का मान टू के पी बटा आर क्यू और पोटेंशियल का मान के पी बटा दो ही हुआ यहाँ पर एनसीटी का मान के पी बटा आर क्यू पोटेंशियल का मान चार पांचवा की यहाँ पर एनसीटी का यहाँ पर एनसीटी का मान दुगना होता है यहाँ पर एनसीटी का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है और यहाँ पर एनसीटी का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के इतना बात बताना चाहिए इससे खूब अगले सवाल आते जो बोलते वही सब रहे आगे देखो आगे जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं सवाल आता है मतलब पांच नंबर में ट्वेल्थ क्लास में कि प्रूफ कीजिए ठीक है ना बिना प्रूफ के भी आप निकाल सकते हैं लेकिन सवाल चूंकि आता है इसलिए प्रूफ कर रहे हैं
देखो बिना प्रूफ के भी हमने निकालते हैं पहले। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, सुनो पहले आप, अगर ये दोनों फॉर्मूला जो भी बताया समझाया गया सवाल अगर याद है तो आपको बिना प्रूफ के आंसर ला सकते हैं। वास्तव में कभी कभी इसको कोई पढ़ाया वढ़ाया नहीं जाता, सीधे प्रूफ करा जाता है डायरेक्ट, और प्रूफ में हम लोग थीटा बराबर 0 प्रूफ करते हैं, थीटा बराबर 90। जैसे अभी जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं क्वेश्चन यह है, ध्यान सुनिएगा, एक डाई पोल है, एक डाई पोल है यहाँ माइनस क्यू आर प्लस, जिसके सेंटर से आर दूरी पर, कितना दूरी पर, आर दूरी पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस एंड पोटेंशियल, कितना दूरी पर, आर दूरी। यह हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। यह माइनस क्यू और ये है आई, कौन कितना है छिट्टा, कौन कितना है छिट्टा, आई दूरी कितना है, कहाँ से, सेंटर से, इधर का दूरी एल, इधर का दूरी एल। आपको बताना कि यहाँ पर बताओ इंटेंसिटी का मान क्या। तो अगर हम यहाँ इंटेंसिटी का मान अगर यहीं से प्रूफ करके निकाल लें, आज छिट्टा और कितना प्रूफ कर दें, जीरो, आंसर आ जाए, सही कि नहीं। और कितना लगे था पुट करने, 90, तो कहाँ का अंतर आ जाएगा, सही कह रहे। तो दो तरीका है, अगर हम यहाँ पर एनसीटी का मान हम जो प्रूफ करने जा रहे हैं अभी निकालेंगे, तो इसे पीछे का याद रहे या ना याद रहे फॉर्मूला, अगर आपको एक प्रूफ सीधे याद है तो प्रूफ आधा टर्स में भी काम हो जाएगा, और फॉर्मूला में थीटा बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ का आंसर आ जाएगा, थीटा बराबर 9 पुट करेंगे तो यहाँ का आंसर आ जाएगा। लेकिन प्रूफ हम बाद में करेंगे, लेकिन हम पहले क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सिखा रहे हैं। यहाँ पर एनसीटी का मान क्या होगा कैसे को निकालना, तो ध्यान सुनने का करना चाहिए। ये हो गया हम लोग का डाई पोल, सही कि नहीं। इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा हम लोग का, पी, कितना होगा, पी। समझो कि डाइपोल नहीं है, इसके बदले में दो डाइपोल, एक डाइपोल इधर है जिसका डाइपोल मोमेंट पी कॉस थीटा है, और एक डायपोल ऐसे जिसका डायपोल मोमेंट पी साइन है। एक क्वेश्चन सॉल्व करने का जल्दीबाजी में तरीका सिखा रहे, तो प्रूफ भला बात अभी नहीं है। डायपोल एक हमने तोड़ दिया, एक डायपोल नहीं यहाँ पर दो डायपोल, एक डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट पी कॉस थीटा है, और एक डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट पी साइन है। अब समूचे बात वहां से रिपीट करेंगे, तो क्या पी कॉस थीटा वाले डायपोल के चलते पॉइंट हो गया इन डाउन पोजिशन, सही कह रहे हैं, पी कॉस थीटा वाले डायपोल के चलते पॉइंट कौन पोजीशन है, और इन डाउन पोजीशन पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर की डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, सही कह रहे हैं, इधर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, इसका मतलब इधर जो आंसर आएगा उसका आंसर आएगा 2kp। लेकिन पी के से कौन होगा, पी कॉस थीटा। अब इस डायपोल के चलते देखा जाए तो हो गया ब्रॉड साइड पोजीशन, जो कहता है कि यहाँ इंटेंसिटी का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, ठीक है, डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट, और ये आंसर होता है केपी बटा आर, केपी बटा आर। अभी हम लोग एक प्रूफ पे लाने वाले कि इंटेंसिटी अलोंग रेडियल डायरेक्शन, इंटेंसिटी अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन, सही कह रहे। तो फॉर्मूला अगर ई मिला है तो मिला भी आप याद रख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से, समझ गए, 2k कितना हो गया, 2kp बटा आर क्यू, और हो गया kp बटा आर क्यू। अब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर और जोड़ का रूट ओवर आ जाए, हो गया रेडियल डायरेक्शन, ये हो गया। अभी तो हो गया मतलब मैथमेटिक्स की तरफ से कि फॉर्मूला आ देगा तो तुरंत निकाल, हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला मत लगाने लगना और लंबा नहीं निकालना, यही तरीका अपनाना है। कितनों भयानक सवाल रहे, इस हमको डायपोल यहाँ दे दिया, आप पूछे कि बताओ एज्जा पर ही इंटेंसिटी का मान, चलो फॉर्मूला निकालेंगे, डायपोल भी तोड़ेंगे दो को, एक डायपोल इधर से एक डायपोल,
यही काम हमेशा करना है डायपोल का सुनो भयानक सवाल है निकालने लगना हमेशा कि प्लस वन कूलम चार्ज की दूरी रख करके की तरीका अपनाना है हमेशा डायपोल को दो बार में तोड़ दे एक इधर निकालना उसी लाइन पर एक उसके प्रमेंडी एक बार लाइन वाला फॉर्मूला एक बार प्रमेंडी फॉर्मूला जो आंसर आएगा दोनों को मैट्रिक के नियम से जोड़ के स्क्वायर करके रूट करेंगे सही है इसी क्वेश्चन बनाने का तरीका हुआ बाकी भी हम प्रूफ कर मेरे सलाह जो आता है अंतिम में व्यस्त का शर्मा और व्यक्ति वाला इस समय यही सब फॉर्मूला मिलेगा एक क्वेश्चन ना 15 का बनते बनते मन अगर याद रहेगा कि बनेगा मत कर याद रहेगा तब नहीं याद रहेगा तो एक क्वेश्चन मान लिया कि अलग अलग पूछे ध्यान सुनिए आप ये हो गया हमारा डाई पोल चूंकि डाईपोल बहुत छोटा होता है ये माइनस क्यू आ रही और इसके सेंटर कितना दूरी पर आर आर की तुलना में लंबाई बहुत छोटा आर कोण का मान कितना है हमें निकालना यहाँ पर इंटेन फिर गंदा नहीं करें क्योंकि जो कर रहे हो तो होने वाला है नहीं पर समझ लीजिए सारी साइड तो मान लिया डायपोल है माइनस क्यू आर प्लस क्यू यहाँ पर आपको निकालना है इंटेन सिटी यहाँ पर रखिएगा प्लस वन अभी प्लस की चार्ज आ रही माइनस तो प्लस की धक्का देगा इसको और माइनस की इसको तो मान लिया जाए आपकी दूरी निकाल भी लिए अभी दूरी आप निकाल भी लिए तो चलो सिटी का मान निकल भी जाएगा और ये भी मान निकल भी जाएगा लेकिन ये दोनों का रिजल्टेंट कभी आप निकाल पाने में सक्षम नहीं ठीक है क्योंकि इसके लिए आप क्या निकालना पड़ेगा ये थीटा और सबके लिए फ्री सब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं यहाँ पर प्लस वन कूलम चार्ज रख के कोई चाहे कि हम यहाँ पर लगने वाले इस पर लगने वाला बल और इससे लगने वाला बल दोनों निकाल लें और दोनों के बैटरी के नियम से जोड़ के रिजल्टेंट निकाल लें कभी संभव नहीं इसलिए हम ये तरीका लगाने जा रहे हैं कि इंटेंसिटी बराबर माइनस डी बटी डी आर माने डीवी बटे पहले पोटेंशियल ही निकाल लेते और उसके बाद उसको डिफरेंट कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा इंटेंट क्योंकि तरीका नहीं काम आने वाला है कि आप प्लस वन कूलम चार्ज रख लिया जाए और इसके चलते लगने वाला बल और इसके चलते लगने वाला बल ये बल आप निकाल भी सकते हैं इससे कोई दिक्कत नहीं बल निकाल भी सकते हैं बल निकालने का खाली दूरी ही नहीं चाहिए दूरी अगर निकालेंगे पता चलेगा आपको ये दूरी निकाल लेंगे ये दूरी निकाल लेंगे बल भी निकल जाएगा लेकिन ये दोनों का रिजल्टेंट कभी नहीं निकल पाए उसके लिए दोनों बैटरी के बीच का एंगल तो इससे बचने के लिए हम तरीका अपनाने जा रहे हैं पहले क्या निकाल लेते हैं पोटेंशियल यहाँ पर प्लस वन कूलम चार्ज रखते हैं और लिखते हैं कि पोटेंशियल पॉइंट पी पर बराबर पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज और पोटेंशियल ड्यू टू माइनस सही अगर कुछ नाम दिया हुआ होगा तो होगा अपना ए यहाँ है बेटा ये सही तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज बराबर के क्यू बाई ए पी के क्यू बाई और पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज बराबर माइनस से क्यू बाई बी पी माइनस से क्यू बाई बराबर के क्यू कॉमन एक बटा ए पी माइनस एक बटा बी अब यहाँ से सवाल देखिए कि ए पी ए और पी का मान ए से लेकर कहाँ तक ए से लेकर जो पी तक का मान है वो लगभग लगभग होगा बराबर पी से लेकर के एन तक पी से लेकर के हमने ए से एक लम डाल दिया है ओपी पर पॉइंट ए से एक लम कहाँ डाल दिए ओपी पर डायपोल बहुत छोटा जितना ये छोटा होगा ए और एन आपस में क्लोज होंगे
सही कि नहीं? यस सर। तो समझने के लिए इतना बड़ा दिखाते हैं, वास्तव में डायपोल बहुत छोटा होता है। जितना छोटा ही ए वाला ए वाला दूरी होगा एल, उतना ही क्लोज होगा ए और एन। आप जब पढ़ रहे होंगे इंटरफेरेंस, लाइट में गुड लौट के आएगा इंटरफेरेंस, आपको ये बात पढ़ा जाता है कि एक सोर्स से एक सोर्स से, तो यहाँ मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। जब साउंड पढ़ते ना इंटरफेरेंस ऑफ लाइट साउंड, ये सब सवाल होते थे। यहाँ पर ऐसा सवाल होता था, हमको याद है कि यहाँ पर एक सोर्स है एस वन और एस टू, बताओ कि यहाँ से यहाँ तक में कई मैक्सिमा और कई मिनिमा। तो हम लोग क्या निकालते थे, पाथ डिफरेंस, यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से दूरी का अंतर। अगर पाथ डिफरेंस एन लैम्डा आता था तो बोलते थे कि मैक्सिमा है, अगर टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू आता था बोलते कि मिनिमा मिनिमा है कि नहीं? ऐसे तो ही अगर इसको सोर्स समझ लो, इसको भी सोर्स समझ लो। अभी कहानी जब पढ़ लेंगे ना तब ऐसा सवाल आपको अब जाके इंटरफेरेंस वाला अच्छा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ करके दिखा रहे हैं ना। यही सवाल आपको इंटरफेरेंस में आता कि एक सोर्स है, ये एक सोर्स है, बताओ इस पॉइंट पर मैक्सिमा मिलेगा कि मिनिमा मिलेगा। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं पहले ए से पी निकालने का, फिर बी से पी या दोनों की दूरी को घटाएंगे। अगर ये पाथ का डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर रहा तो वहाँ पर मैक्सिमा मिलेगा, और टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू रहा तो मिनिमा मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि के क्यू बटा एक बटा एन पी माइनस एक बटा एम पी। बी पी का मतलब एम पी। देखिए यहाँ से, यहाँ से क्या डाल दिए हम लोग लंब, किस पॉइंट पर? एम पॉइंट पर। तो बी से लेके जो पी तक का दूरी है वो लगभग लगभग किसके बराबर होगा? एम से लेकर के पी के बराबर। सुना कि नहीं? बी से लेके कहाँ तक? पी तक। बराबर किसका होगा लगभग लगभग? एम पी। क्योंकि ओ जो पॉइंट ओ है, आई जो पॉइंट बी है, एल है नहीं, एल बहुत छोटा होता है। जब एल बहुत छोटा है तो बी से एम वाला भी पॉइंट लगभग आपस में क्या हो जाएंगे? क्लोज में रहेंगे। तो बी पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम पी। देख लें अब हो जाएगा यहाँ से के क्यू कॉमन एक बटा एन पी को लिख सकते हैं ओ पी माइनस ओ एन, ओ पी माइनस ओ एन, और एम पी को लिख सकते हैं ओ पी प्लस ओ एन, ओ पी प्लस ओ एन। आज लिख सकते हैं ओ पी माइनस ओ एन। अब ओ पी का मान कितना है? आर। का मान कितना है? तो R माइनस, अब बचा कौन? O N, O R N। यहाँ कौन कई डिग्री? 90। यहाँ भी कौन कई डिग्री? 90। तो 90 के सामने वाला हाइपो, yes। और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बचा ये कौन सी? बेस। बेस नहीं, तो अगर ये L है तो होगा L cos थीटा, अगर ये L है तो ये L cos थीटा। तो R माइनस L cos और माइनस एक बटा आर प्लस एल कॉस थीटा, ये वाला होगा आर एल कॉस थीटा। ये भी यानी थीटा, ये कौन थीटा? तो ये भी कौन थीटा। आई वाला एल, आई कौन 90, ये वाला एल कॉस थीटा, ये वाला एल साइन थीटा। आपको चाहिए ओएम, ओएम बराबर एल कॉस थीटा। नीचे ए प्लस बी टू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और बाहर में निकल जाएगा के क्यू, और दिखाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा बराबर टू एल कॉस थीटा, और क्यू इंटू टू एल बराबर बी आ गया के पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एल बड़ा कि एल कॉस थीटा? एल बड़ा कि एल कॉस थीटा? एल ना, एल कॉस थीटा का मान और छोटा। जब एल कॉस थीटा और छोटा तो एल कॉस थीटा का स्क्वायर और छोटा, तो ये पूरा का पूरा कहानी। क्योंकि एल इज वेरी वेरी लेस देन, इसलिए एल कॉस थीटा और छोटा होगा किससे? एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का मान और छोटा होगा आर से, और आर स्क्वायर छोटा और छोटा होगा। ठीक है, ये पूरा कहानी। आंसर बराबर कितना आया? केपी कॉस थीटा बटे थीटा बराबर जीरो पुट करो तो आंसर आया केपी बटे आर स्क्वायर। केपी बटा थीटा बराबर 90 पुट करो तो कॉस 90 का मान जीरो।
पर्सनालिटी का मान जीरो, मैंने यहाँ पोटेंशियल का मान जीरो, यहाँ पोटेंशियल का मान जीरो। ऑन द लाइन, ऑन द लाइन के पी बटा आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर में जीरो, पहले फॉर्मूला आया था अलोंग द लाइन के पी बटा आर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर में कितना है जीरो, थीटा का मान जीरो पुट करेंगे। और एक बार अब याद कीजिए, पीछे क्वेश्चन कराते थे हम बार बार ग्रेविटेशन में, करवाए कराए कि है नहीं कराते थे, ग्रेविटेशन में करवाए, पीछे भी करवाए कि अगर पोटेंशियल बराबर 5 को थीटा बटे आर स्क्वायर हो तो बताओ इंटेंसिटी का मान क्या होगा अलोंग द ए ईआर और ईटी, ईआर और ईटी वही तरह से जान कर भी, तो हम क्या फॉर्मूला क्या था हम लोग का, के पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, जहाँ पर के पी एक कॉन्स्टेंट, के पी क्या है कॉन्स्टेंट है, इसलिए हम लोग यही सवाल बार बार करा रहे थे पीछे 5 कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। तो चूंकि पता चल गया कि पोटेंशियल किसका फंक्शन है आर कॉमा थीटा का, इसका मतलब इंटेंसिटी दो तरफ होगा, एक रेडियस के तरफ और एक टेंजेंट। प्रूफ में जहाँ तक आता है यहीं तक आता है प्रूफ, ध्यान देना, जनरली करके प्रूफ में यहीं तक आता है, बस खाली पोटेंशियल निकालिए के पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, यहीं तक प्रूफ आता है। मेरी सवाल में जाने यहाँ पर कंसेप्ट, यहाँ पर देखना है लम डालने वाला बात, ध्यान रखना है यहाँ से लम डालना है, यहाँ से भी लम डालना है, जितना मान एम पी का होगा उतना ही मान बी पी का होगा, जितना ही मान ए पी का होगा उतना ही मान एम पी का होगा, इस सब बात को समझना है, एल होगा तो एल कॉस थीटा होगा, ये मिला एल तीला एल कॉस थीटा होगा, बाकी तो प्रोसेस जो करते आ रहे हैं वही मैच की तरह कर रहे हैं। अब बचा इंटेंट, तो अगर पोटेंशियल फंक्शन आर कॉमा थीटा का तो एक होता है ईआर और एक होता है ईआर बराबर माइनस डेल वी बाई डेल आर और ईटी बराबर माइनस डेल वी बाई आर डेल आर डेल थीटा, तो माइनस डेल वी बाई डेल को सॉल्व करते हैं, माइनस तो बाहर जाएगा क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में हमें करना है डिफ्रेंशिएशन, तो सब बना बाहर जाएगा, जैसे के पी कॉस थीटा बाहर जाएगा, के पी कॉस थीटा पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है, आर के रिस्पेक्ट में करना तो खाली आर वाला का हो, बाकी सब के पी कॉस थीटा बाहर जाएगा, आर एक बटे आर स्क्वायर का मतलब आर के पावर माइनस टू, आर के पावर का डिफ्रेंशिएशन माइनस आर का पावर माइनस बराबर टू के पी बटे आर क्यू, टू के पी कॉस थीटा बटे और अभी देखो डायरेक्ट में लाए थे टू के पी कॉस थीटा बटे आर क्यू। अब आ जाएगा माइनस डेली बाई आर डेल थीटा, एक आर तो पहले से ही आर थीटा के रिस्पेक्ट में करना है तो के पी बटे आर स्क्वायर और बाहर जाएगा, एक माइनस साइन आ के पी बटा आर स्क्वायर और बाहर जाएगा, आई आर पहले से है, बाकी बचा कॉस थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा बराबर माइनस बराबर के पी साइन थीटा बटे आर क्यू, के पी साइन थीटा बटे आर क्यू। इसका मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी के दो डायरेक्शन है, एक इंटेंसिटी अलोंग रेडियल डायरेक्शन और एक इंटेंसिटी अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये वाला मान आएगा के पी साइन थीटा बटे और ये वाला मान आएगा टू के पी कॉस थीटा बटे आर क्यू। अब इसका रिजल्ट टेंट अगर दिखाने का बारी आ जाए, वैसे ना ये वह फाइनल आंसर Yes, ये हो गया ई आर, आई क्या लिखा हुआ है ईटी, ई आर में किसको जोड़ दिए बेटर को जोड़ रहे हैं, ई आर में जोड़ दिए ईटी को, आगे नेट आंसर ही बोला सही के लिए, अब नेट आंसर निकालिए, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का जोड़ के रूट ओवर, तो के पी बटा आर क्यू बाहर आएगा, के पी बटा आर क्यू का होल स्क्वायर कॉमन होगा, इसका स्क्वायर है उसका स्क्वायर ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से बचेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर का रूट, इसका स्क्वायर जो इसके स्क्वायर का रूट ओवर जोड़ करके सब्सक्वायर करेंगे तो के पी बटा आर क्यू तो दोनों में है ना, इसका स्क्वायर कॉमन ले लें, यहाँ से बचेगा 2 कॉस थीटा मैंने 4 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से बचेगा सिर्फ साइन स्क्वायर, तो एक कॉस को इसमें जो कितना आ जाएगा 1, एक कॉस में कितना आएगा 1, आंसर आएगा 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा, 1+3 कॉस स्क्वायर और यहां से रूट आर स्क्वायर, आंसर आएगा के पी बटा आर क्यू अंडर रूट 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा का मान 0 पुट कीजिए, कॉस 0 1 3 है 4 का रूट 2 बराबर 2 के पी बटा आर क्यू, 2 के पी बटा आर क्यू इन डाउन पोजीशन।
थीटा का मान नवे पुड़ के cos 90 जीरो खाली बचा a सब बराबर a बटा r तो ये कोण मान लो कितना है फाई कोई वेक्टर हम जोड़ते हैं तो वेक्टर का ये रूल है भैया क्या आप ऐसे लिखते हैं वेक्टर a और फिर वेक्टर e जोड़ते हैं ऐसे पता नहीं रिजल्टेंट है कि नहीं तो हम बताते हैं कि रिजल्टेंट क्या डिग्री पर जा रहा है किरण जब पी आर क्यूब पढ़ता था वेक्टर जोड़ने का तरीका जो पी में जोड़े क्यूब को इसके बीच कौन थीटा है आ था ना आर ये कौन मैंने निकाला लेकिन कितना अल्फा तो देखना पड़ेगा कि जो रिजल्टेंट है कितना एंगल पर जा रहा है इसका मान निकालना हमको तो यहाँ पर फाइव बराबर हो टैन फाइव बराबर ईटी बटे ई आर टैन फाइव बराबर ईटी बटे ई आर अब ईटी में अगर ई आर से भागा देंगे तो के पी बटे आर क्यू जी बटे आर की कैंसिल तो बचेगा साइन थीटा बटे टू कॉस थीटा साइन थीटा बटे टू कॉस थीटा आएगा टैन थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू किन अल्फा माना हुआ उसमें लगता है फाइव के अल्फा तो यहाँ से आ गया हमारा एक आंसर कि tan phi बराबर tan theta y 2 सही नहीं tan phi बराबर tan theta y 2 tan theta by 2 tan theta by 2 नहीं tan theta by 2 नहीं tan theta by 2 ठीक है ना ऑप्शन में सब गड़बड़ रहता है खैर हम मोटा मोटी याद कर लेते हैं tan theta by 2 से पहले tan थीटा बाई वैल्यू का आधा थीटा का आधा नहीं ये सब सवाल हुआ खराब हो गया खत्म होता है सुनिए आप इसे मिटा रहे हैं इसको तो दो मिनट और ध्यान सुनिए हमारा ये डाइपोल हो गया यहाँ पर थीटा का मान निकाल के इधर आंसर आया था ने ठीक यहाँ निकाले तो यहाँ निकाल रहे हैं तो नहीं यहाँ कहीं निकाले तो कहीं इधर भाग रहा है कि नहीं अच्छा तो कभी ऐसा भी आया होगा ध्यान समझ आए इसके अंदर घर जा रहा है नहीं तो कभी एक ऐसा पॉइंट भी तो आया होगा जहाँ पर आंसर यहाँ जाता होगा सही कि नहीं बात समझ में आया कि नहीं इस पॉइंट पर एनसीटी का मान यहाँ आ रहा है इस पॉइंट पर एनसीटी का मान यहाँ आ रहा है इस पॉइंट पर एनसीटी का मान यहाँ आ रहा है इसका मतलब कहानी धीरे धीरे क्या हो रहा है चेंज हो रहा है समझ आ रहा है कि नहीं ऐसे तो एक पॉइंट ऐसा भी आता होगा जहाँ एनसीटी का मान इधर होता होगा कि नहीं अभी सवाल नहीं सवाल कभी रहेगा बाद में एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर चालू है ऐसे पहले से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ चालू है पहले से नीचे की ओर और एक डायपोल के चलते भी चालू है इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बताओ वह पॉइंट जहाँ पर सिटी का मान जीरो ये बहुत ज्यादा हो गया टफ मतलब थोड़ा सा एक अहम कंसेप्ट समझा रहे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ चालू है नीचे की ओर ऐसी में वो रखा लेगा डाई आपसे पूछेगा कि बताओ वह जगह जहाँ पर सिटी का मान जीरो आप ये कीजिएगा क्योंकि सिटी कहाँ है यहाँ तो ऐसा जगह खोजिएगा जहाँ सिटी का मान ऊपर हो तब ना दोनों आपस में कैंसिल आउट करेंगे और सिटी का मान क्या निकल के आएगा जीरो निकल के आएगा अब यही सवाल आपको दे देगा ऐसे नहीं यहाँ पर सिटी का मान जिसे आसान सवाल पहले बताते हैं यहाँ एंटी सिटी ऐसे है कि नहीं बताओ कहाँ सिटी का मान जीरो होगा किधर यहाँ हो है कि नहीं क्योंकि हाँ इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पर इधर होगा आंसर यहाँ पर ऐसे आइए इंडी सिटी तो इस इंडी सिटी को बैलेंस लेगा तो जाके आंसर जीरो आएगा आसान सवाल हुआ अगर यही इंडी सिटी का मान इधर रहेगा तो आंसर कहाँ जीरो होगा बोले हाँ जीरो होगा बस में कि नहीं कहानी अभी नहीं मैग्नेट में समझ में आएगा पूछेगा बताओ न्यूट्रल पॉइंट क्या है वैसा पॉइंट जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का मान उसे न्यूट्रल पॉइंट कहा जाता है तो सवाल यही रहेगा कि न्यूट्रल पॉइंट का लोकेशन बताइए कहानी का सारांश सही रहे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से क्या है पहले से है नहीं जैसे पृथ्वी हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड में पहले से हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बात में आया कि नहीं यहाँ पर हम क्वेश्चन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं काम होगा चुंबक में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही से है और बगल में एक डाइपोल रख दिया गया समझो एक छड़ चुंबक की तरह काम करेगा वहां जाकर के एक छड़ चुंबक की तरह डाइपोल काम करेगा जिसके दो पोलों में नॉर्थ और साउथ
बोले कि छठ चुम्बक को कैसा रख, अगर हम इस छठ चुम्बक को कैसे रख दिए तो बताओ कि न्यूट्रल पॉइंट्स कहाँ हैं, तो एक फील्ड इसका होगा और एक फील्ड पृथ्वी पर ऑटोमेटिक चालू है, पृथ्वी खुद एक चुंबक, पृथ्वी खुद एक चुंबक है, इसका फील्ड अपने आप चालू है ऑटोमेटिक, हम लोग अभी मैग्नेटिक फील्ड में हैं, और एक छठ चुम्बक और कहीं पर रख दिया गया तो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड जिधर जा रहा है देखना पड़ेगा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट किस बिंदु पर सेट करता है, ठीक है? इस छठ चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड किस बिंदु पर पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट सेट करता है, किस बिंदु पर सेट करता कहलाएगा न्यूट्रल पॉइंट, अपना फिर कैलकुलेशन करके लोकेशन निकालेंगे कहां पर न्यूट्रल पॉइंट आता है, बस वगैरह कि जो बाहरी फील्ड हम दे रहे हैं उसमें बोलेंगे पृथ्वी के फील्ड, और ये जो डायपोल क्या रहेगा छठ चुंबक, तो कोई छठ चुंबक कहीं मैंने रखा हुआ है यहाँ पर बताना कि न्यूट्रल पॉइंट का मान, मतलब न्यूट्रल पॉइंट की मैंने कौन सी जगह पर जीरो होगा, ठीक है, कल कराएंगे क्वेश्चन से आगे।